थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये मीटिंग क्यों हुई सेक्रेटरी में। पिछले तकरीबन एक महीने डेढ़ महीने से गवर्नमेंट मुसलसल इन टच रही है शिया बरादरी के जो भी अंजुमने हैं उनके साथ टच में रही है कि हम चाहते हैं कि इस साल आप आठवें का और दसवें का जुलूस निकालें और हमें बताइए कि हमारे साथ हमारी तरफ से आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मीटिंगें चलती रही तकरीबन 6-7 राउंड मीटिंग्स के हुए। उसके बाद जो परसों की मीटिंग हुई जिसमें आईजी साहब थे, ड्यूकॉम साहब थे, डीसी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों का सब कुछ ये एक्नॉलेज किया जो आप कहते हैं, तो अब हाई लेवल की मीटिंग होगी जो गवर्नर साहब खुद प्रेसाइड करेंगे। तो जब हमें इतला मिली कि गवर्नर साहब ने बुलाया है तो हम सब लोग वहाँ पहुँचे और जब मीटिंग शुरू हुई तो जब गवर्नर साहब बैठे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब थे और जो भी आला अफसरान जो भी स्टेट के हैं वो थे, पुलिस के हों या ब्यूरोक्रेसी के हों, तो मीटिंग को प्रेजाइड किया हमारे ड्यूकॉम साहब। तो पहले तो पूछा गया कि हमारे स्टेट में हमें पूछा गया कि आप कौन हैं। चलो उसको तो कोई मुझे उसमें कोई कबाहत नहीं है, तो ही यू नो वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ दैट हु वी आर, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग आयरनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले मैं ये आपको ये बता दूँ कि हमारे जहन में, हमारे शिया जो लीडरशिप के जहन में ये था कि अपडेट तय की जाएगी और कैसे इंतज़ाम आपको चाहिए उसके लिए आप हमें बुलाया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब ड्यूकॉम साहब ने मीटिंग का आगाज़ किया तो कहा, अंसारी साहब आप मुझे बता सकते हैं कि कैसी सुविधाएँ हैं रही हैं। मैंने कहा, ड्यूकॉम साहब अगर आप छोटी जबान शॉर्ट वर्ड्स में आप कहें, मैंने कहा आप आए, आपकी डीसी साहिबान आए, बाकी आपके अहलकार आए, वो आए, उन्होंने देखा, फ़ोटो उठाया और चले गए। तो उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से मुखातब होकर कहा कि गवर्नर साहब मुझे आपसे गिला है। तो गवर्नर साहब सुनते रहे। मैंने गवर्नर साहब सबको कहा कि मैंने कहा गवर्नर साहब यहाँ जो मुस्लिम बरादरी है, ये जो मातम है ये इमाम हुसैन का है, ये सिर्फ मुंसलिक नहीं है एक पर्टिकुलर सेक्ट के साथ। तो आई वॉज गिविंग हिम अ ब्रीफ। मैंने कहा मुझे सिर्फ गिला ये है कि अमरनाथ यात्रा के लिए या बाकी जो आपके यहाँ ओकेजन्स होते हैं आप इसको पॉइंट बना लेते हैं कि आप खुद हाज़िर हो जाएं। मैंने कहा गवर्नर साहब आप तकरीबन 7-8 बार जो इंतज़ाम हैं अमरनाथ यात्रा के लिए आप खुद आप गए और आपने खुद सुपरवाइज़ किया कि कैसे चल रहा है। मैंने कहा आपके जो यहाँ बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब इन ये भी 4-5 बार गए और मैंने कहा बाकी आला अफसरान भी गए। मैंने कहा हमें सिर्फ ये दुख है कि एक बार आपने एक मुआयना किया होता, आप खुद गए होते कि क्या हो रहा है, तो शायद इस मीटिंग की नौबत नहीं आ जाती। उस पर क्या हुआ जी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो थोड़ा सा एजिटेट हो गए। कहा इमरान साहब आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब मैंने कौन सी गलत बात की? तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये सेक्टेरियन बात कर रहे हैं। जो मुझे चुभा, जो वजह थी मेरे वॉकआउट की, वो ये थी कि चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम यहाँ सेक्टेरियन बात कर रहे हो। सारे हकायक आपके सामने हैं, आपने देखा अमरनाथ जी यात्रा के लिए कितने इंतजाम थे। मैंने उनको ये भी आंकड़े बताए, मैंने कहा आज सुबह तक जो मेरी इतला है 370,000 लोगों ने दर्शन किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए। आपने बाजाब तक क्यों ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि उनने सवाल उठाया कि हमने इंतजाम किए हैं। ये अभी इंतजाम की बात हो रही थी। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये तोहमत लगाई कि आप सेक्टेरियन बात कर रहे हैं तो मुझे ये दिल में चुभा कि कहाँ से हम सेक्टेरियन हैं? पिछले कितने सालों से यात्री यहाँ आ रहे हैं, हर मुसलमान उनके लिए खड़ा है, हम उनके लिए खड़े हैं, और उसके बाद एक चीफ सेक्रेटरी जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, कितने किसी एक छोटे अरसे के लिए यहाँ आया है, वो हमें कहें कि आप सेक्टेरियन हैं? इसे माइंडसेट आपको पता चल जाता है, ये तानाशाही की बात। और मैंने जब मेरे शऊर ने मुझे इजाज़त नहीं दी उस महफिल में बैठने के लिए जहाँ मुझ पर कोई तोहमत लगा रहा है, मैं उठ के उस मीटिंग से बाहर आपके सामने बात की। तो आपने तो बहुत खूबी से इसका निचोड़ निकाला। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनको उनका आईना दिखा रहा है। मैंने गवर्नर साहब से मेरी कोई ये शिकायत नहीं, हो सकता है गवर्नर साहब को ये ब्रीफ करते हों कि हम गए हैं, लेकिन जब मैंने रोशना किया गवर्नर साहब को और जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा जो आपके जहन में है वो मेरी ज़बान पर नहीं लाई है, तो वहाँ से गवर्नर साहब कहने लगे नहीं आप बैठ जाइए, आप पहले इनकी बात सुन लीजिए। मैंने कहा गवर्नर साहब यहाँ रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है,
मैंने कहा ये हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा कि जो इसने बात की कि इमरान अंसारी सेक्टेरियन है, मैं तो कयामत तक ये बात भूल नहीं सकूंगा कि मुझे ऐसी तोहमत लगाई गई। तो मैंने मुनासिब समझा, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, और मैं वहाँ से निकल गया। और हाँ, ये मैंने कहा मैं डिक्टेशन किसी का नहीं लेता। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मेटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-255-4360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।